अब चलेगा द्विवचन बहुश्रेयसी धन औ, बहुश्रेयसी धन औ, है ना। यहां पर भी इक्वेंटिस एक प्राप्त हुआ पहले, उसको बाधना नहीं है हमने, लेकिन उसको बाद नहीं आता है प्रत्यय पुरुष वर्ण, उसको पा देता है दीर्घा जसी च, दीर्घ है ना ये, उसने बाढ़ दिया तो वापस ही कोई चीज है कियन हो गया, तो बहु श्रेयस्य बहुश्रेयस्य रूप बन जाए। यही प्रक्रिया जस में, वहां क्या बनेगा, जस का असर रहेगा बहु श्रेयस्य, है ना, जस का असर रहेगा, आग के साथ यण होगा स्य हो जाएगा, रुत विसर्ग हो गया सकार को स्य हो जाएगा बहु श्रेयस्य, ठीक। और अम में बहु श्रेयसी प्रदेश दीर्घा जैसी चाह अमी पूर्व आ जाए, कोई इंच को बाद करके अमी पूर्व आ जाए, हमें पूरा जो पूर्व एकादेश हो जाएगा तो बहुश्रेयसीम, बहुश्रेयसीम द्विवच में आउट में पूर्वक बहुश्रेयस्य, बहुश्रेयस्य। और शस में प्रत्यय पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा, तस्मात् छसो नः पुंसि से नकार हो जाएगा बहुश्रेयसीम, बहुश्रेयसीन बने, बहुश्रेयसीन। तामे बहुश्रेयसी धन आ रहेगा, बहुश्रेयसी धन आ रहेगा, नदि संज्ञा वाला होने से इसको घी संज्ञा नहीं हो सकता, अनदि संज्ञा है ना वहां पर का रसु भी होना चाहिए तो दीर्घ है भाई नहीं, इसलिए क्या होगा, ताकि आपके साथ इको एंड से यान हो जाएगा बहुश्रेयस्या, बहु श्रेयस्या के साथ यन हो गया बहुश्रेयसी भ्याम, बहुश्रेयसी भी भ्याम और भीष्म में मिलाना और कोई काम नहीं है, भ्याम और भीष्म में क्या करना है, मिलाना है, भीष्म में तो सकार पुरुष विसर्ग होगा विशेष और कुछ नहीं, बहुश्रेयसी भ्याम बहुश्रेयसी भी। अब चतुर्थी का एक वचन आया बहुश्रेयसी धन ये, ये का बच गया ए, इस स्थिति में सूत्र और एक लगने हैं, ये का ए बच गया, इक्वेंट से यण होना प्राप्त है, तब उसे रोकते हुए आप क्या करेंगे, यण बाद में करना है हमें, बाधना नहीं है, इसे रोकते हुए हमें पहले नदी से क्या करेंगे, यूज क्यों नदी, इससे हम नदी संज्ञा करेंगे, किसका बहुश्रेयसी शब्द का, कैसे हो भी वार्तिक की सहायता से प्रथम लिंग ग्रहण, इस वार्तिक की सहायता से सूत्र ने नदी संज्ञा कर दिया, नदी संज्ञा करने से सूत्र का लग रहा है अभी विशेष सूत्र आ गया, आन नद्या आन नद्या आन प्रथमा नद्या पंचमी, आन में वो न अधिक रहे लेकिन त है वो, आठ है वो, आठ के टकार को नकार कौन करता है, यरो अनुनासिक अनुनासिको वा है, यानी अनुनासिक पर में है नद्या का नकार, उसके पढ़ते हुए टकार को इसने ण कर दिया, मूर्ख ने नकार कर दिया, आन नद्या बन गया है वहां आठ, प्रथमा का एक वचन है, नद्या पंचमी के एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है, नद्यंतात् परेशांगिताम् आडागम स्यात्, नद्यंतात् परेशांगिताम् आडागम स्यात्, नदी संचक जो शब्द है उनसे पर में जो गिद्वचन है, गिद्वचन कौन कौन है आपका, गे गसी गस गी चार, चतुर्थ के एक वचन गे में भी गा है कि नहीं, पंचमी में गसी में भी गा है, गस में भी षष्ठी में गा है, अंगी सप्तमी वाले में भी गा है, चार है चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का
एक वचनों का जो प्रत्यय है उनको कहा जाता है गिद्वचन। उन गीतों के स्थान पर क्या होगा, आठ आगम होगा। आठ है टित, टित उनसे कहां बैठेगा, आद्यंतौ टकिदौ। आद्यंतौ टकिदौ सूत्र की सहायता से आदि में बैठ गए, बैठ गया क्या हो गया, बहुश्रेसी धन आ और ए, आ और ए। यहां तो वृद्धि रेखा किसी में काम चल सकता है, किंतु आठ अपने विशेष कार्य किया तो स्मरण आया आठस्य सूत्र, उस सूत्र को ला रहे हैं। वो सूत्र जहां एच नहीं वहां मुख्य रूप में लाभ देने के लिए, आठ से परे जब एच है तो वृद्धिराज से संज्ञा लेकर वृद्धि रेखा से वृद्धि कर सकते हो आप, या नहीं। लेकिन ये वास्तव में अच कह रहा है, आटो अच्छी परे, अच में क्या है, इस एच से भिन्न क्या बचता है आपका, अक। अक प्रत्याहार के पर रहते हुए भी वृद्धि करना इष्ट है। अक मने आ ई ऊ री री, जैसे आपने रूप बनाया भी है, आठ आगम हुआ था, कहा आता है अलसंधि का अंत में, आदन रिक्षत आर्छत बनाएंगे, नहीं बनाया आपने, वृद्धि हुई कि नहीं वहां, कैसे हो गया वृद्धि वहां, एच तो है नहीं, एच नहीं है ना, आठ सूत्र आठ आप पदांत है, इसलिए पदांत किम ये प्रश्न पूछ के ये दिखाया था, यह पदांत है धातु को आगम हो रखा है टंगलाकार में, यहां वृद्धि होता है री के प्रति वृद्धि करना, यहाँ एच नहीं है फिर भी वृद्धि हो जाती है, यही इस आठ सूत्र का लाभ है। वास्तव में यहाँ कोई जरूरत नहीं था एच के पर रहते हुए वृद्धि रेच से ही हम कर सकते थे, लेकिन प्रसंग वशात क्या होता है, स्मृत से अपेक्षा अनर्थत्व प्रसंगत्व, आठ कहते ही आठ सूत्र दिमाग फट फ्लैश हो जाता है ना दिमाग में, रटे हुए होते हैं उन लोगों जो प्रक्रिया याद रहता है उनको, आपने आठ हुआ कहते खट से उनके दिमाग में क्या है, आठ खड़ा हो जाएगा। कई वृद्धि सुनते आपके दिमाग में क्या होता है, वृद्धि रेची, क्यों रटे हुए ना, वृद्धि सुनते ही वृद्धि रेची आएगा, वृद्धि राधे च आ जाएगा, संज्ञा सूत्र आएगा, गुण सुनते ही अधिक गुण है कि नहीं, आद गुणा दोनों सूत्र खड़े हो जाएंगे आपके मन में, कहीं भी दीर्घ सुनेंगे तो अकस्मण दीर्घ तुरंत खट से खड़ा हो जाता है। ये चीजें अभ्यास की बात है, धीरे 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 चीज आ जाता है, जितने अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी उपस्थित होता है वस्तु। इसे परिभाषा और संज्ञा सूत्रों के माने मारे में विद्यार्थियों को दृष्टांत बना दिया नागेश भट्ट ने, परिभाषेंद्र शेखर टीका लिखा है परिभाषाओं के ऊपर, उसने विद्यार्थियों में दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, एक विद्यार्थी वो है जिसको एक बार सुना दिया वो हमेशा के लिए याद हो रहता है, कौन कौन सूत्र सहायता की जरूरत है, अतीत है कौन से सूत्र की जरूरत है, यहाँ सोचते रहेगा वो आदिन तो टिकी तो याद ही नहीं आएगा, ऐसा मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी भी बहुत होते हैं, और तीक्ष्ण वाले आठ कहते तुरंत तुरंत दिमाग में आएगा आदिन तो टिकी तो, कहने की जरूरत नहीं उपस्थित हो जाता। जो जो सहायक सूत्र लोप गए तुरंत दिमाग में आना चाहिए, आदर्श लोप ये सहायक सूत्र है इसका, अरित के लोग कर रहे हैं तो तस्लोप भी जरूरत है तुरंत उपस्थित होना। इसको दो पक्ष है, एक का नाम यथोद्देश पक्ष, तुरंत उपस्थित हो जाए उसको कहते हैं यथा उद्देश्य, जब जब जरूरत पड़े जब तब तब खट खट उपस्थित होते रहे उसे कहते हैं यथोद्देश पक्ष, और दूसरा हर बार याद दिलाते रहना पड़े है उसके लिए कहते कार्यकाल पक्ष, हर कार्यकाल में बोलते रहना पड़ता है, यहाँ ये सूत्र जरूरत पड़ा, यहाँ ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, हर बार बोलते ही रहना पड़ता है फिर भी याद नहीं होती है। तो कार्यकाल पक्ष वाले मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों में लिया, दो प्रकार के विद्यार्थी उन्होंने वर्णन किया, ये तो देश पक्ष के विद्यार्थी, कार्यकाल पक्ष के जैसे विद्यार्थी होते हैं वैसे ही सारी परिभाषा और संज्ञा सूत्र विधि के पास ये तो देश और कार्यकाल दोनों पक्षों से उपस्थित हो सकता है। इस प्रक्रिया में जरूरी नहीं हर बार आप संज्ञा सूत्र की बोले परिभाषा भी बोले, सीधा विधियों को लगाते जाइए काम करते जाइए तो भी चलता है।
माना जाएगा तेजस्वी विद्यार्थी है, और नहीं तो हर बार आप पूरी प्रक्रिया बोलिए बहुश्रेषी शब्दार्थ वित्पत्ति पक्ष है अवित्पत्ति पक्ष है हर बार बोलना पड़ेगा। दस बार नहीं 21 बार तो पहले हो गया, उसके बाद भी कई बार हो गया, फिर वो क्रम ध्यान नहीं आता है ना, वो क्रम आना चाहिए दिमाग। ये प्रक्रिया है विभक्ति को लाने का। विभक्ति लाने के बाद एक सामान्य प्रक्रिया जो तू भी जानना चाहिए, जैसे हमने लाया विज्ञे गे में ककार की संज्ञा कौन गया करके देखना है, लशक वधित्य उपस्थित होना चाहिए, कवर है प्रत्येक आदि में है लशक वधित्य, कवर का तो प्रत्येकांत में होता तो हलंत्यम, अंत में हो तो हलंत्यम, आदि में हो तो लशक होते। ये चीजें उपस्थित सामान्य रूपेण पहले कई बार बोल चुके हैं और आगे हम बोलेंगे नहीं तो आपको उपस्थित होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया करूंगा देखने के लिए कहां तक, ये बल्ब की ट्यूबलाइट है देखना पड़ेगा कि फ्यूज हो चुका है, दिन ही होते है ना, बल्ब तो तुरंत फ्लैश होगा, ट्यूबलाइट को थोड़ा टाइम लगेगा, फ्यूज हो तो होगा ही नहीं फ्लैश, वो तो देरी वाले सबको वो एक क्वालिटी में डाल दो, वो थोड़ी देर हो गया थोड़ी भाई होगा ही नहीं, एक क्वालिटी है एक तुरंत होगा एक देरी से होगा, बस तीन ही क्वालिटी है। इन्होंने तो दो ही गिनाया, देरी से होने वाला जल्दी होने वाले, हम तो कहते फ्यूज वाला भी लेना चाहिए नहीं होने वाले। तो खैर आदन रिक्षत आर्चक है ना, जैसे आठ समा रीम के प्रति वृद्धि करने उपयोग हो गया था, लेकिन यहाँ आठ अपने किया है तो उपस्थित हो गया स्मरण में आ गया, इसलिए आठ सूत्र को यही दे रहे हैं, जबकि यहाँ वृद्धि रीचि से भी हो सकता है। सूत्र देगा आठ आठ और च दो पद है, आठ षष्ठी एक वचन च अव्यय दो पदों से युक्त सूत्र है। आठो ची परिवृद्धि एकादेश आठो अची परे वृद्धि एकादेश आठ से अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि संजक वर्ण एक आदेश हो जाएगा। यह आकार क्या है, यह है आठ और पर में जो ये है प्रत्यय का वो है अच, आठ से अच पर में आ गया इसे इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होना है, तो क्या आगे क्या सूत्र जरूरत पड़ेगी, वृद्धि आदेश सहायक सूत्र और स्थाने अंदर दमहा है कि नहीं, ये दो सूत्र की सहायता से आठ सूत्र यहां वृद्धि कर रहा है, आई वृद्धि हो जाएगा। पहले वाले में वो तो लिखना पड़ेगा ना आद्यंताऊ टकिताऊ की सहायता से आनद्याः, आद्यंताऊ टकिताऊ की सहायता से आनद्या से आटागम हो गया था, और अंग संज्ञा भी बोलना चाहिए वैसे सात तीन का है ना, नद्यंता अंजा ये बोलना चाहिए, नद्यंता दंगा अंग संज्ञा भी करनी चाहिए, स्मात प्रसदाद प्रत्यंगम तभी वो सूत्र लगेगा, अंग संज्ञा का अधिकार में है वो आनद्या है कि नहीं, इसलिए इसके साथ वो भी बोलना पड़ेगा स्मात प्रत्यय प्रत्यंगम भी बोलो। ये दो की सहायता से आदिनद्या प्रवृत्त हुआ, और अब वृद्धिराधिच स्थानांतरतमा इन दो की सहायता से आकर्ष प्रवृत्तवा तो अई वृद्धि हो गया, तो बहु श्रेयसी धन अई हो गया। अब वापस लौट आता है कोई अणची तो यण कर देता है, कोई अणची यण कर देगा, यहां भी ऊ ई दो दो है श्रम ये है ये सब तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य स्थानांतरतमा जो वहां सहायक सूत्र थे उनको यहां भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तस्मृति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतर्गमः इन दो की सहायता से यण हो गया तो रूप बन गया आपका बहु श्रेयस्यै। सुप्ति नंबर उसकी पसंज्ञा कर दीजिएगा तो पसंज्ञा होने पर चतुर्थी एक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है, बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी भ्या बहुश्रेयसी भ्या, कोई काम नहीं वहां पर मिला देना है
व्याम को लाओ मिला दो, और व्याम में मकार को क्या करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा वहां पर भी हलंत संज्ञा प्राप्त हुआ। विभक्ति की सहायता से कौन सुधराएगा, न विभक्त हो तो सुनाहा वही संज्ञा को निषेध कर देगा। तो व्याम वैसे के वैसे रह गया, बहुश्रेषी और भ्याम में मिला दीजिए, शुद्ध संज्ञा कर दीजिए, बहुश्रेषी भ्याम रूप सिद्ध होगा। ये बहुश्रेषी भ्यस में सकार की संज्ञा प्राप्त होता हलंत से विभक्तिश्च की सहायता से न विभक्त तो सुनाहा उसको निषेध कर दिया, तो वैसे के तैसे रह गया भ्यस। बहुश्रेषी धन भ्यस अवस्था में वर्ण सम्मिलन कर दो, बहुश्रेषी भ्यस। सुप्तिनम से पद संज्ञा सकार को सुरु से रू है कि नहीं, बहुश्रेषी भ्यर उस रू के रकार को ग्राम अवसान से अवसान संज्ञा खर अवसान विसर्जन से विसर्ग हो जाएगा, बहुश्रेषी भ्य। ठीक, आप पंचमी का एक वचन लाइएगा बहुश्रेषी धन घसी, घसी का अस बचा, ये भी गिद्ध वचन होने के नाते यहां भी यही प्रक्रिया पूरा लग गया, पूरा ये प्रक्रिया आ नद्या लगना है, आटस वृद्धि होना है, बहुश्रेष्याहार बनेगा, है ना। आदन ये था जैसे यहां एक जर अस लिखते जाइएगा बस, बहुश्रेष्याहार वृद्धि क्या होगी, आ और अ के बीच में आ ही वृद्धि होगी, बस इतना अंतर है। तो अस है आ, अस हो गया, आठ भगम होने से वृद्धि होने के बाद आस रह जाएगा, बहुश्रेष्याहार बन जाएगा। पंचमी का एक वचन में प्रक्रिया में सूत्रों में कोई अंतर नहीं, सब वही सूत्र लगना है। आदेश में फर्क हो गया कि प्रत्यय अ होने से आ आदेश हो गया, बहुश्रेष्याहा पंचमी का द्विवचन बहुश्रेषी भ्याम, पंचमी का बहुवचन बहुश्रेषी भ्या, पूर्वत प्रक्रिया। बहुश्रेषी धन गस षष्ठी का एक वचन आया, वहां भी यही प्रक्रिया है, बहुश्रेष्याहा बनेगा। बहुश्रेषी धन ओस, बहुश्रेषी धन ओस में क्या करोगे, इको एंच से यण कर दो, बहुश्रेष्योस हो जाएगा, सकार को रुत विसर्ग कर दो, बहुश्रेष्यो हो। बहुश्रेषी धन आम है, नदी संज्ञा नहीं, यहां पर नदी संज्ञा है इसका, इसलिए रस नद्यापनुट से नद्यंत नुट हो गया, लिखा भी है नद्यंत नुट, बहुश्रेषी धन नाम हो गया। दीर्घ को दीर्घ कर देना, नामी से दीर्घ को दीर्घ आदेश कर दो, बहुश्रेषी नाम हो जाएगा। दीर्घ को दीर्घ करने का फल है कि और सूत्र से कुछ और होने की संभावना खत्म हो जाता है, यदि प्राप्त हो जाए तो खत्म, उसको वही आदेश करने का लाभ भी है। स्थानित धर्मावच्छिन्न दीर्घिकार के स्थान पर आदेश धर्मावच्छिन्न दीर्घिकार जो आदेश किया, बहुत फर्क है। स्थानित धर्मावच्छिन्न दीर्घिकार गीप का ई है, और आदेश धर्मावच्छिन्न जो गीप का ई का ईकार है वो गीप का ई नहीं है, केवल स्थानीभूत ईकार का सवर्ण भूता है, उसमें गीप्त धर्म नहीं होगा, गीतत्व धर्म नहीं होगा आदेश वाले ईकार में, यह अंतर पड़ जाता है। ई को ई आदेश भले हम कर रहा हो देखने में फर्क तो कुछ नहीं दिखता रूप में, लेकिन इसके धर्म में बहुत अंतर। स्थानी में जो क्या था वो गीतत्व धर्म था, स्थानी में गीत्व धर्म है, गीप है वो, ग्यंत कहा जाएगा उसको, लेकिन आदेश में जो ये है उसे केवल दीर्घत्व संज्ञा है, सवर्णत्व है, स्थानी का सवर्णी है, और कोई अंतर नहीं पड़ रहा। इसीलिए तो उस फर्क को देखते हुए आप आदेश नामी से दीर्घ को दीर्घ ही आदेश कर देंगे, बहुश्रेषी नाम यह रूप बन जाता है। अब आता है नी का ई, नी का ई, यहां पर इको एंची प्राप्त होता है तो उसको बाद करके आता है आकाश में दीर्घ, एक एक्स्ट्रा यहां लगेगा प्राप्ति में, उसे बाद देता है युस्त्र प्रथम लिंगकरण नदी संज्ञा, नदी संज्ञा होने के नाते स्मार्ट प्रतिष्ठा विधाओ अंग संज्ञा करेगा, और उसके बाद एक सूत्र आ रहा है गेराम नद्याम निभ्यः, नेराम नद्याम निभ्यः,
अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। गेह है षष्ठी का एक वचन, आम प्रथमा का एक वचन, षष्ठी प्रथमा पंचमी, षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन और पंचमी का बहुवचन नद्याम निभ्य, पंचमी का बहुवचन है ये है। ये षष्ठी का एक वचन, आम प्रथमा का एक वचन और नद्याम निभ्य पंचमी का बहुवचन है। नद्यंतात आवंतात नी शब्दाच्छा परस्येर आम, नदी संजक शब्दों से आबंत आप कहने से ताप चाप डाप ये तीन प्रत्यय हैं अंत में जिनका उन शब्दों को लिया जाएगा उनसे, और नी ये दीर्घ कारांश नी शब्द है इस नी शब्द से परमे जो सप्तमी का नी है उस गी को क्या होगा आम आदेश हो जाएगा, नी को आम आदेश हो गया क्योंकि नद्यंत है ये क्यों नदी प्रतिलिंगण संज्ञा हुई है। अगर गेरा नत्या निपियस है गी गई को आम आदेश हो गया। बहुश्रेसी धन आम स्थिति हो, बहुश्रेसी धन आम, बहुश्रेसी धन आम। अब स्थिति में दो सूत्र की प्राप्ति है आम में, क्योंकि आम में प्रत्येक गित्व धर्म लाएंगे हम, प्रत्येक गित्व धर्म लाएंगे तो आण नद्या आठ आगम प्राप्त है ना, और रस नद्या आप लुट से लुट होना भी प्राप्त है, आम है आम को लुट हो जाएगा क्योंकि वो तो रस नद्या पर सूत्र नहीं कहते षष्ठी का आम होना चाहिए ऐसा नहीं कहा उसने, आम होना चाहिए आम को लुट करना है। तो दो सूत्र आ रहे हैं यहां पर, रसनद्या को नुट प्राप्त हो रहा है और आण नद्या भी प्राप्त हो रहा है, दोनों में से कौन करें पर होने के कारण से आप क्या करेंगे आठ करेंगे आण नद्या से आठ। तो हस्व नद्या को नुट इति प्राप्ते आण नद्या इति आठ, बहुश्रेसी धन आ धन आ परत्वात आठ हो गया, परत्वात आठ हो गया और आठ से वृद्धि हो गया तो पुनः लौटा क्या स्थिति है आम ही रह गया। अब दोबारा रसद्यापुरुट कह सकता मैं आऊंगा, अब पुनः आम दिख रहा है ना वहां पे आम था आठ किया फिर वापस आम हो गया, फिर रसद्यापुरुट कहता मैं कर दूंगा मैं आप जानता नहीं होगा क्योंकि वो प्रवृत्त होकर गया हो। अब वो कहेंगे सकृत गदौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव, ये परिभाषा लाएंगे और नुट नहीं करेंगे। परिभाषा है सकृत गदौ, सकृत गदौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव, सकृत गदौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव। एक बार प्रवृत्त हुआ जो सूत्र यदि आपने विप्रतिषेध परम कार्यम के द्वारा बाध करते हैं तो वह सदा के लिए बाधित हो गया, दोबारा लौट के नहीं आ सकता, वो उस लक्ष्य में तो आ नहीं सकता, अन्यत्र काम करते रहे यहां नहीं आ सकता, इस लक्ष्य में वो दोबारा रसनद्या पुनुट लौट नहीं सकता क्योंकि रसनद्या पुनुट जब आम अवस्था में आया था तब आण नद्या भी आया, दोनों कैसे हैं सूत्र विप्रतिषेध वाले अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश वाले हैं वो, क्योंकि ये रसनद्या पुनुट अभी अभी षष्ठी के बहुवचन में काम कराया है, रसनद्या पुनुट क्या किया है षष्ठी के बहुवचन में काम किया है और आण नद्या चतुर्थी में पंचमी में षष्ठी का एक वचनों में काम किया है, दोनों इसी लक्ष्य में बहुश्रेष्ठी शब्द में ही दोनों सूत्र लागू हो चुके हैं, दोनों चरितार्थ हो चुके काम कर चुके हैं, अब दोनों भिड़े सप्तमी का एक वचन में, एक ही लक्ष्य में
तीन जगह पर आण नद्या काम कर चुका है, चतुर्थी पंचमी षष्ठी का एक वचनों में, और रस नद्या पुनर्ट जो है षष्ठी का बहुवचन में काम कर चुका है, यानी ऐसा दो सूत्र सप्तमी का एक वचन में भिड़ गए, तभी प्रतिषेध है परम कार्य में अपने लगा दिया। पर सूत्र कौन था? आण नद्या रस नद्या पुनर्ट की अपेक्षा से आण नद्या पर सूत्र था, अतः पर कार्य कर दिया अपने, पर कार्य आ कर दिया, आठ आगम कर दिया, आठ वृद्धि और दो बार आम जैसी स्थिति दिखाई दे रहा है पूर्वत, तब रसमत्या पुनः जब लौट के आने लगता है, कहता है दो बार आम तो हो ही गया, तुम तो काम करो, मुझे भी काम करने दो, आंड अध्ययन का काम कर ही लिया, तुम काम करके जा रहे हो, मैं करूंगा काम। तब कहता है नहीं नहीं भाई, मेरे करने के बाद तू नहीं कर सकता, क्यों? यह सकृत गदौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव, न्याय लग गया। एक लक्षण है, एक बार प्रवृत्वा दो सूत्रों का बीच जब भिड़ंत हो, उस स्थिति में यदि विप्रतिषेध परम कार्यम सूत्र के आधार पर आप किस सूत्र को रोक देते हो, तो वह सूत्र दोबारा उस लक्ष्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता, आते हरसन दया पुनर्ट आएगा नहीं, तो इको यणची आ जाएगा, यण कर देगा, रूपन गया बहुश्रेय श्याम, बहुश्रेय श्याम बन गया। और इसी प्रकार द्विवचन में तो ओ से इको एंच से यण कर दो, सकार गुरु सर कर दो, बहुश्रेय स्यो हो, सप्तमी का बहुवचन में बहुश्रेय सी धन सुप पाया, सुप का सु बचेगा, पक अलंक संज्ञा अगर लोप हो गया, बहुश्रेय सी धन सु सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धनि सकार कर दोगे तो बहुश्रेय सी शु बन जाएगा, रूप बन गया सर। रूप चलाइए अभी, बहुश्रेय सी, बहुश्रेय सी, बहुश्रेय स्यौ, बहुश्रेय स्यः, हे बहुश्रेय सी, हे बहुश्रेय स्यौ, हे बहुश्रेय स्यः, बहुश्रेय सी, बहुश्रेय स्यौ, बहुश्रेय सीन, बहुश्रेय स्या, बहुश्रेय सीभ्याम, बहुश्रेय सीभिः, बहुश्रेय स्यै, बहुश्रेय सीभ्याम, बहुश्रेय सीभ्यः, बहुश्रेय स्याः, बहुश्रेय सीभ्याम, बहुश्रेय सीभ्यः, बहुश्रेय स्याः, बहुश्रेय स्योः, बहुश्रेय सीनाम, बहुश्रेय स्याम, बहुश्रेय स्योः, बहुश्रेय सीशो। अब एक और देख दीर्घिकारांत ले रहे हैं जिसमें नदी संज्ञा नहीं होगी, ज्ञंत नहीं है वो, ज्ञंत तो सुलभ नहीं होगा, नदी संज्ञा तो हो जाएगा, ज्ञंत के लिए नित्य श्रीलिंग होना जरूरी है, नदी संज्ञा के लिए ज्ञंत होना कोई जरूरी नहीं है, नदी संज्ञा होगा लेकिन वो ज्ञंत नहीं है। अति लक्ष्मी शब्द बना रहे हैं, लक्ष्मी बनता है लक्षेर मुटच सूत्र उनादि में, लक्षेर मुटच एक सूत्र है, इस सूत्र से लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय हुआ, उस ई प्रत्यय को मुट आगम हो गया तो रूप बन जाता है लक्ष्मी। इसलिए जो दीर्घकार गीप गीश गीन का नहीं है, ये जो दीर्घकार दिख रहा है गीप गीश या गीन, इन तीनों में से किसी का भी नहीं, स्वतंत्र इकार है, स्वतंत्र प्रत्यय, ये जो ये आया हुआ है प्रत्यय, यह गीप गीश या गीन, इन तीनों में से किसी का भी नहीं है, अतएव इसको लक्ष्मी शब्द को हम अज्ञंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञंत, ज्ञंत नहीं है। अज्ञंत कौन कौन है? शायद आपके यहां श्लोक भी दिया होगा, है या नहीं? नीचे श्लोक दिया है, हा देख लीजिए, फिर नीचे श्लोक है, अवितंत्री तरी लक्ष्मी धीरि श्री नाम आदितः अपि स्त्रीलिंग वृत्ति नाम स्वरलोपो न कदाचन। ज्ञंत नाम से सुलोप नहीं होगा, अवि तंत्री तरी लक्ष्मी धी ह्री श्री, सात शब्द, इन सात शब्द जो बने हैं ये उनादि से बनता है, वहां गीप गीश गिन प्रत्यय होता नहीं,
श्री नाम उणादित का ना, उणादित मैंने उणादि सूत्रों से बना हुआ है, उणादि सूत्रों से बना हुआ है, पाणिनीय सूत्र से नहीं। उणादि सूत्र अलग है, शाक्यायन महर्षि का माना गया है, उन्होंने बनाया था उणादि। उसमें पंचपादी उणादि अलग है, दशपादी उणादि अलग है। पंचपादी में लगभग 750 सूत्र है, उससे बहुत सारे शब्द बनाते हैं, उसको पाणिनि ने स्वीकृति दी। उनसे जो शब्द सिद्ध होते हैं वो असाधु नहीं है, और साधु शब्द लिखा है। क्या सूत्र है वो? उणादिभ्यो वण सूत्र बना नहीं, उणादिभ्यो आण। इसे क्या क्या अपन कर दिया? उणादि सारे प्रत्यय यथार्थ है, उनसे मान प्रत्यय कर सकते है नहीं। तो जो उणादि गण, जो प्रत्यय गण है वो पूरे को स्वीकृति उन्होंने दिया है पाणिनि जी। इसलिए व्युत्पत्ति पक्ष, उणादि में भी दो पक्ष है, व्युत्पत्ति और आव्युत्पत्ति, दोनों पक्ष वहां भी चलता है। तो उन उणादियों से सिद्ध शब्द होने के नाते इनमें गीम खींच गिन कोई प्रत्यय हुआ नहीं है, इसे इनको आज्ञंत कहते हैं। अपि स्त्रीलिंग वृत्ति ना, ये शब्द कैसे हैं? सातों के सातों स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं ये, इसलिए यद्यपि स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उनको समास करके आप जैसे पहले किया ना बहुश्रेयसी, वैसे अतिलक्ष्मी को भी समास के द्वारा आप क्या कर सकते हो? पुल्लिंग में प्रयोग कर सकते हो। लक्ष्मी मधिक्रांतो या न सा, लक्ष्मी मधिक्रांतो ये न सा अतिलक्ष्मी, पुल्लिंग में आ गया। धन इतना कमा लिया कि लक्ष्मी को भी मान लो हरा दिया, लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसा लगता है, ऐसे धनवान पुरुष को क्या कहेंगे? अति लक्ष्मी। कौन है वो? स्वयं नारायण भगवान, और कौन हो सकता है? लक्ष्मी को परास्त कौन करेगा? नारायण के लिए और कोई कर ही नहीं सकता। अतएव नारायण के सामने दासी बन के बैठे पैर दबा दिए, तो जानती है इसके सामने मैं थोड़ा सा अहंकार दिखा दो तो बस चौपट कर देंगे, इसलिए वहां दासी बनी रहती है, बाकी सबके सामने में भीख मंगा बना देती है सबको। इसलिए कहा ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, उसके सामने लक्ष्मी की छलती नहीं है, वह ठंडी हो जाती है। इसलिए अति लक्ष्मी कौन हो गया? भगवान श्री विष्णु है, श्रीमन नारायण है, उनका रूप आप चलाने जा रहे हो, अति लक्ष्मी ही। लक्ष्मी का अतिक्रमण करने वाला पुरुष उसको कहते हैं अति लक्ष्मी ही। यहां लिखा है कि अज्ञंत तत् न सुलोपः, ज्ञंत न होने से केवल प्रतिमा का एक वचन में अंतर पड़ता है, वहां सु का लोप नहीं होगा, क्योंकि सुलोप कौन कर रहा था? सूत्र हल गया पियो दीर्घा प्रतम हल ही तो क्या है ना, वो क्या कहते हैं? हलंता परम दीर्घो योग्य तदंताक्ष परम सूती सीत के तद प्रतम हल लुप्यत है, ये इसकी वृत्ति है। उस वृत्ति के अनुसार ग्यंत से परम में आया हुआ सु के सकार को लोप करता है, अज्ञंत से परम में आया सु का लोप नहीं करता। ये अतिलक्ष्मी शब्द अज्ञंत होने के नाते इसका सु का लोप नहीं होगा, सु को रुत्र सर्ग हो गया, अतिलक्ष्मी ही। शेषम बहुश्रेयसी, बाकी सारा रूप में नदी संज्ञा होगा, नदी संज्ञा को लेकर जो जो कार्य अपने की अंबार्त नद्यो रस्व आण नद्या गेराम नद्या निभ्य, ये तीन विषय सूत्र लगा करके कार्य किया है पांच गांव में, वो सारा कार्य को ध्यान रख करके रूप चलाइए। अतिलक्ष्मी ही, अतिलक्ष्म्य अतिलक्ष्म्य, हे अतिलक्ष्मी रस्व कर देना, अंबार्त नद्यो रस्व, हे अतिलक्ष्मी, हे अतिलक्ष्म्य, हे अतिलक्ष्म्य, अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्म्य अतिलक्ष्म्य, नहीं अतिलक्ष्मी शस्मे अतिलक्ष्मीन बनेगा, अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्म्य अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्म्या अतिलक्ष्मीभ्याम अतिलक्ष्मी भी अतिलक्ष्म्य अतिलक्ष्मीभ्याम अतिलक्ष्मीभ्य अतिलक्ष्म्या अतिलक्ष्मीभ्याम अतिलक्ष्मीभ्य अतिलक्ष्म्या। वहां देखिए शब्द क्या था? बहु श्रेय सी था, है ना? बाले जो प्रत्यय उसको जोड़ते गया तो क्या हुआ था? स्याहा हो गया था, है ना? अब क्या है? अब अति लक्ष्मी शब्द है,
मी में या जोड़ना है ना, म्याह हो जाएगा। प्रत्यंग जोड़नी है, प्रक्रिया वही है सारा। शब्द पर ध्यान दीजिए, सी तक थी पहले, उसमें आस आया तो स्याहा हो गया, अब मी धन आस आया तो क्या होगा, म्याह हो तो होगा, स्याहा नहीं होगा। अतिलक्ष्म्याह अतिलक्ष्मी भ्याम अतिलक्ष्मी भ्याह अतिलक्ष्म्याह अतिलक्ष्म्योः अतिलक्ष्मीना अतिलक्ष्म्याम अतिलक्ष्म्योः अतिलक्ष्मीषु। हे अतिलक्ष्मी, हे अतिलक्ष्म्यौ, हे अतिलक्ष्म्याह। ये हो मी का ई को एंड कर देना, बाकी सब वैसा रहे। अब एक और शब्द आता है विशेष रूप से मनन करने वाला, प्रधी। ये धी शब्द भी क्या है, वायथना भी उसमें गिना है। ये भी अज्ञंत है, ये भी क्या है, अज्ञंत है। अवि तंत्री तरी लक्ष्मी धी ह्री धी है ना, वह शब्द इसे ज्ञंत नहीं है तो सात में से एक है। अज्ञंत होने से यहां सुकलोप नहीं होगा, सुकलोप यहां नहीं होगा। धी ही यहां भी नहीं संज्ञा होगी, यानी नहीं संज्ञा होगा कि नहीं होगा, यहां पर प्रथम लिंग ग्रहण चलेगा यहां। अब निर्भर है लगेगा कि नहीं लगेगा, सोचने वाली बात है, लगेगा कि नहीं। समास के ऊपर निर्भर है सारा खेल यहां। यदि आप बहुव्रीहि समास करते हैं, प्रकृष्टा धी यस्य, प्रकृष्टा धी यस्य, पुल्लिंग कर दिया, स प्रधी, ऐसे समास करोगे तंत्र संज्ञा हो जाएगा, पुल्लिंग में प्रयोग होगा। और कर्मधारय समास कर दोगे प्रकृष्टाच असौ धी च इति प्रधी, यहां नदी संज्ञा नहीं होगा। यहां तो हम यही ले रहे हैं दूसरा समास कर्मधारय को, कुछ जगहों में अंतर करने के लिए सूत्र हम लोग ला रहे हैं। अचिष्ट धातु भ्रुवाम युवोर इंग वंगौ, अचिष्ट धातु भ्रुवाम युवो रिवंग वंगौ, युवोर यंग वंगौ, युवो यंग वंगौ, उच्चारण मुश्किल हो जाता है। अचिष्ट धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगौ, अचिष्ट सप्तमी का एक वचन, स्तुधातु भ्रुवाम षष्ठी का बहुवचन, युवोः षष्ठी का द्विवचन, यंगु वंगौ प्रथमा का द्विवचन। युवोः कैसा बना है ध्यान रखने का है, ईच ऊच समास कर दिया गया, ईच ऊच इति यू, ई को उनके प्रति एण हो गया, यू बना, और वो सलाव द्विवचन में शंभु भानु इतने उकारांत होगा ना, वैसे यो यो हो स्नु प्रत्यंत युवर्णो वर्णांत धातो ब्रूहित्य सिचंगस्य यंग वंगोस्तो अजादो प्रत्यय परे इति प्राप्ते, प्राप्त हो रहा है सूत्र यहां, करेगा नहीं। देखिए शब्द है प्रधि धन औ, सु में तो ऋतुसर्ग हो गया अज्ञान तत्व, स को ऋतुसर्ग प्रधि ही प्रथमा के वचन रूप बन जाता है, और प्रधिधन औ इस अवस्था में इको इंच से यण प्राप्त हुआ, उसे बाध देता है प्रथम पूर्व सवर्ण, उसको पकड़ देते कौन दीर्घाच सीचा, ठीक, उसको बाद वापस लौट रहा था इको एण ची, उसको रोकता है अचिष्ट धातु भ्रुवाम युवोरियं वंगौ, अचिष्ट धातु भ्रुवाम युवोरियं वंगौ सूत्र आ गया। ये क्या कह रहा है, स्नु प्रत्यांत हो तो, यहां तो प्रति शब्द स्नु प्रत्यांत यहां नहीं आएगा, वो स्वादि गण में आएगा, जब धातुओं को पढ़ेंगे क्रियापदों को स्वादि गण, दस गण है उसमें स्वादि गण करके आएगा, वहां स्नु प्रत्यय आएगा, वहां पर उसको देखेंगे स्नु प्रत्यांत में क्या करना है।
और ई वर्ण वर्णांत से धातु हो, यहां पर ही है ई वर्ण वर्णांत धातु है यहां, क्योंकि धी शब्द बनता कैसे, ध्येय चिंतायाम धातु है, ध्येय चिंतायाम धातु है। इस धातु से क्या कर दिया आपने, एक सूत्र है ध्याय वार्तिक है, ध्यायते है संप्रसारण, इस वार्तिक से ध्येय के यकार को ई हो गया, संप्रसारण हो गया, संप्रसारण कहते हैं उल्टा इक को यण होना, उसको यण विधि हो गया, और यण को जब इक करोगे उल्टा करोगे उसका नाम संप्रसारण हो गया। तो ये जो ध्याय था ना, यहाँ देख लो ध य आई है ना ध्येय में, उस य को ई करना है, ध ई आई, ध ई आई, इस ई को पर रूपे तो पूर्व रूपे कादेश हो गया, आई को, आई को शमशानाच से पूर्व रूपे कादेश हो गया, शब्द बना धी, स्वीकार उस धी से आपने शमशान च से क्या कर लिया, उन्होंने दीर्घ कर दिया। ये जो ई बचा है शमशानों के पूर्व रूपे कादेश होने के बाद उसी को दीर्घ कर देना है, तो धी को ही क्या कर दिया, च से होने वाला दीर्घ का आधार पर इसको दीर्घ कर दिया, धी बन गया शमशान च, च है ना, वो कहते हैं शमशान भी करो और उसको दीर्घ भी कर दो, अर्थात पहले शमशान करो तो रश्मि ही रहेगा, उस रश्मि को दीर्घ भी कर देगा वही वार्ता, तो धी बन गए शब्द। इसलिए ये कैसा है, ये धातु है, इसको क्या कहेंगे, ये धातु है, ई वर्णांत धातु, ई वर्णो वर्णांत से धातुः भ्रू इत्यस्य च, भ्रू शब्द आपके भवों को कहते हैं, जो भवे हैं इनको भ्रू कहा जाता है, भ्रू इत्यस्य च, इन तीन प्रकार के शब्दों को लिया, इनको जब अंग संज्ञा हो तो अजादि प्रत्यंग पर रहते हुए इस ई को क्या करना चाहिए, यंग आदेश करो, बोला ई हो तो यंग, वो हो तो वंग आदेश करना है, था सिंह मंदिर समानाम से, और यहां पर ई है आपका ई वर्णांत है, चाहे रस्वी हो धीरी हो सब जगह करेगा धातुओं में, ई वर्णांत होने के नाते यह यंग होना प्राप्त हुआ, इति प्राप्ते, इसलिए कह रहा इति प्राप्ते, जब प्राप्त हो रहा है यस्मात् रिश्तेदार प्रत्यंग की सहायता से अंग संज्ञा लेना जरूरी है, यहाँ यस्मात् प्रतिष्ठिदाय अंग से कह दिया ना, यस्मात् रिश्तेदार प्रत्यंग सूत्र की सहायता से यंग वस्तु अजादौ प्रत्यय परे, स्नु प्रत्यांत हो ई वर्णांत धातु हो अथवा भू वर्णांत धातु हो अथवा भ्रू या शब्द हो, इन चार स्थितियों में क्या करता है ये अजाद प्रत्यय प्रत्यय वे यंग ई को यंग को वंग होना प्राप्त हुआ, यही कार था इसलिए यंग होना प्राप्त है यहां वर्तमान स्थल में। उसके बाद कर सूत्र आ रहा है एरणे का चो संयोग पूर्वस्य, एरणे का चो संयोग पूर्वस्य, एह षष्ठी का एक वचन, अनेकाच षष्ठी का एक वचन, असंयोग पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन, तीन पदों से सूत्र है। धात्वयो संयोग पूर्वो न भवति यही वर्णः तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेकाचंगस्य यण स्याद् अजादो प्रत्यय परे, कहता है धातु का अवयव, धातु कौन था, धी, प्र है, भ है, ई है, ई क्या है, धातु का अवयव है, धातु का अवयव, और यह अवयव कैसा है, इसका पूर्व में ध अकेला बैठा है ना, ध अकेला होने से संयोग नहीं है, असंयोग पूर्व है, पूर्व में कोई संयोग नहीं, संयोग संज्ञा किसके होता है, कौन सूत्र है संयोग संज्ञा करने वाला, हलो अनंतराह संयोग है, संयंत से लोग बोल रहे देख रहे हैं, हलो अनंतराह संयोग अजविर व्यवहिता
हलह संयोग संज्ञा स्युः, है ना, हलवानंतराः संयोग सूत्र है। तो असंयोग पर इसलिए यहां दो हल नहीं है ना, दो हल हो अजबिर अव्यवहित, अच से व्यवहित ना हो, ऐसे दो या दो से अधिक हलों का समूह होगा तो संयोग संज्ञा होता है। यहां तो एक ही हल होने से यह संयोग नहीं है, इसलिए इस वर्ण को क्या कहा जाएगा, यही वर्ण संयोग पूर्व वाला नहीं है, अर्थात इसके पूर्व में कोई संयोग नहीं है, ऐसे वर्ण को कहा जाता है असंयोग पूर्व वाला धातु का अवयव रूपा ही। धातु अवयव असंयोग संयोग पूर्व न भवति, संयोग पूर्व न भवति माने असंयोग पूर्व भवति, यही वर्ण तदंतो यो धातु, तदंत धातु क्या ये तदंत यो धातु कौन है धी, तदंतस्य वह भी अंत में जिसका सब को लो प्रसहित ले लो, वह भी अंत में जिसका, ये धी शब्द अंत में किसका है प्र के अंत बैठा हुआ है, कुल मिलके प्रधी हो गया है, वो कैसा है दो हो गया ना, अच्छ प्र में एक आ है धी में एक ई है, इसलिए ये हो गया अनेकाच, अनेकाच अंग हो गया। तदंतस्य वह धातु है अंत में जिसका ऐसा जो समूह है वह अनेकाच अंग होना चाहिए, तब पर में आजादी प्रत्यय हो तो यंग को बद्र क्या करेगा यण करेगा, यण स्याद अजादो प्रत्यय परे तब यण हो, इतना इसमें खिचड़ी है, कितनी झमेला। धातु का अवयव जो ईकार, वह ईकार असंयोग पूर्व में हो अर्थात वास के पूर्व में कोई संयोग ना हो, ऐसा जो धातु, वह धातु अंत में जिसका ऐसा जो अंग, कैसा होना चाहिए अंग, वो भी अनेक अच्छ वाला हो, उस अनेकाच अंग को क्या होता है यण आदेश होता है, कब अवरूपी अन्य कोई भी आजादी प्रत्ययों के परे रहते स्थानांतरतम से यण क्या होगा ई को यह होगा, है कि नहीं, तो इसलिए कहते हैं यण हो गया, यण हो गया तो प्रद्यौ मिला और कोई काम नहीं, प्रद्यौ बन गया, यही प्रक्रिया आप अपनाइए, प्रद्य जस में भी यही होगा, जस में अस रहेगा ना ई को यह होगा प्रद्य सकार सर करना है वहां विशेष कार्य अवशिष्ट यही रह जाता है प्रद्य, है ना, प्रध्यम प्रध्यम बनेगा, यहां अमी पूर्व को भी बात देगा एरने का स्वयं पूर्व से, एरने का स्वयं पूर्व से अमी पूर्व को भी बात देगा, अमी पूर्व अकोम्य ची बहुत विशाल स्थल है, ये तो और संकुचित धातुओं में ही करेगा, ई वर्णांतों में ही करेगा, है कि नहीं, व्यापक क्षेत्र वाला है कौन अमी पूर्व, यह अत्यंत संकुचित तो बहुत कम क्षेत्र में कर रहा है कार्य, इसलिए अपवाद कर देगा उसको, निरवकाश विधि अपवाद है ना, निरवकाश विधि हो तो अपवाद परक होते हैं, ये उस अभिपूर्व को भगा देगा, भगा करके यण हो जाएगा प्रध्यम, प्रध्यौ शस में भी प्रध्य प्रध्या ता में क्या होगा यण, सर्वत्र यण करना है प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभि प्रध्ये प्रदीभ्याम प्रदीभ्या प्रध्य प्रदीभ्याम प्रदीभ्या प्रद्य प्रद्योह प्रध्याम प्रदी प्रध्य प्रधीशु, सभी आजादियों में यण करके मिला दीजिए और हलादि के प्रत्येक को मिला देना और कोई काम नहीं रहेगा, आजादियों में यही प्रक्रिया बताते हुए यण कर दीजिएगा और हलादियों में प्रत्येक को मिला करके जहाँ जो प्राप्त ऋतु विसर करना है कहीं हलंत है तो उसकी संज्ञा प्राप्त करके निषेध कर दो, कि जो सामान्य प्रक्रिया है वही रह जाता है। तो चलाइए रूप प्रदीहि प्रद्यौ प्रद्यः, हे प्रदीहि हे प्रद्यौ हे प्रद्यः, प्रध्यम प्रद्यौ प्रद्यः प्रध्या प्रदीभ्याम प्रदीभिः प्रध्ये प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः प्रद्यः प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः प्रद्यः प्रद्योः प्रध्याम प्रद्यी प्रद्योः प्रदीशु।
इसलिए उन्होंने लिख दिया है पुस्तक में शेषम पपीवत। शेष कार्य कैसे करना? पपी के समान, क्योंकि इसकी नदी संज्ञा भी नहीं हो रही है, इसकी नदी संज्ञा भी नहीं किया गया। क्यों नदी संज्ञा नहीं हुई? प्रकृष्टाधीर यस्य समास करेंगे तो नित्य स्त्रीलिंग हो जाएगा, वो तो रहेगा प्रथम लिंग ग्रहण चकान बन सकता है ना, कि नहीं होगा? हो सकता है। प्रथम लिंग ग्रहण के आधार पर आप यहां कार्य कर सकते थे, नित्य संज्ञा करो रूप चला सकते हैं, क्यों नहीं किए? इसलिए यहां पर दूसरा पक्ष वाला रूप ले लेना, इन्होंने सर्वत्र ऋण किया ना, कहीं नित्य संज्ञा नहीं किया, ऋण करते गए न संज्ञा करके आण नद्या नहीं लगाया और गेराम नद्या निब्या नहीं लगाया, अंबारधन रस्म लगाया नहीं है, इसलिए दूसरा समास को लेना है, बहुरी समास को नहीं लेना, उसी स्थिति में होगा। जब नित्य स्त्रीलिंग रहेगा तो उसको प्रथम ग्रहण चलाएंगे, नहीं संज्ञा होगा सब अति लक्ष्मी के समान रूप चलेगा, प्रध्येय बनेगा, प्रध्येय नहीं बनेगा, प्रध्याहा बनेगा, प्रध्या नहीं बनेगा, आठ होगा सत्य प्रध्ये नहीं प्रध्याम बनेगा। लिखा है इन्होंने प्रकृष्टाधीर यस्य, इस विग्रह वाक्य को यदि लेते हैं प्रति शब्द बनेगा तो धी शब्द के निस्लिंग होने से प्रथम लिंग ग्रहणांच से नदी संज्ञा होकर अति लक्ष्मी के समान रूप बनेंगे। हैं? हाँ, कर्मधारी लेना पड़ेगा। दोनों के शुरू में कितना प्रकृष्टाधीर यस्य विग्रह वाक्य लिखा था हमने, प्रकृष्टा चौ धी च ये भी लिखा था, दूसरे वाले को स्वीकार कर, तभी सर्वत्र यण मात्र होगा और निज संज्ञा का कार्य नहीं होगा। इसे शेषम पपीवात कर दिया, शेषम पपीवात एवं ग्रामणी ही, एवं ग्रामणी ही, इसी प्रकार ग्रामम नयति इति ग्रामणी ही, नेता ग्राम प्रधान उनको कहते ग्रामणी, ग्रामम नयतीति ग्रामनी ही, यहाँ इस क्षेत्र में बोलते नंबरदार, नंबरदार बोलते ग्राम प्रधान, पटेल बोलते है ना गुजरात महाराष्ट्र में पटेल बोलते हैं, यहाँ नंबरदार बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, प्रधान जी ग्रामनी ही पुलिंग है। ग्रामणी दंसो इस दिशा में प्रधि के समान ज्ञंत होने से सकार का लोप, अज्ञंत होने से सकार का लोप नहीं होगा, ज्ञंत होता सकार का लोप हो जाता, ये ज्ञंत नहीं है, अतः अभी नी एक धातु है ना, ग्रामम नहीं दी थी ना पिपुआ सरा पर लोप गीप गीश गिन नहीं हुआ ना, गीप गीश गिन होने पर ही सुलोप होता है, गीप गीश गिन हुआ नहीं, ग्रामम नयति नी प्रापण धातु पिप करो सुराह पर लोप कर दो, ग्रामणी रह गया जंत नकार मूर्धन्य हो गया, अटकु पांग ग्रामणी बन गया, निशब्द गिनती किया ना, नदी संज्ञा भी इसका नहीं होगा, इसीलिए इसका नदी संज्ञा नहीं है। लेकिन दो तो ग्रामण्या आगे क्या लिख रहे हैं, सप्तमी का एक वचन में नी है ना, वहां पर गेराम नद्याम नी किया, नी शब्द लिया उन्होंने, इसे नी शब्दांत ग्रामणी को भी नी को आम आदेश कर देंगे, नी को आम आदेश कर देंगे, ग्रामण्याम बन जाएगा। तो रूप चलाइए इसका भी कोई काम तो है नहीं, प्रधी के समान चलाना है, प्रधी के समान रूप चलाना, ग्रामणी ही ग्रामण्यौ ग्रामण्यः, हे ग्रामणी ही हे ग्रामण्यौ हे ग्रामण्यः, ग्रामण्यम ग्रामण्यौ ग्रामण्यः, ग्रामण्या ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभिः, ग्रामण्ये ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः ग्रामणीभ्याम ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः ग्रामण्योः ग्रामण्याम ग्रामण्याम ग्रामण्योः ग्रामणीशो। लेने कब होता है यण पक्ष? जब ग्राम शब्द पूर्वपद में रहेगा तो अनेकाचन बनेगा, केवल नी शब्द रूप चलाओगे तो वह अनेकाचन ही मिलेगा ना, एक ही अच्छे नी में ही अनेकाचन ही रहेगा, इसलिए एरणेकाचन पुरुष यण नहीं होगा।
किंतु अतिष्ठ धातु ब्रुआर यंग शास्त्र अनुसार यंग होगा, उसका रूप कल देखेंगे।